पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी को रविवार को कुछ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने किरण पर विभिन्न सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू होने से रोकने का आरोप लगाया। हालांकि किरण बेदी ने इस आरोप से इनकार किया। यह घटना उस समय हुई जब अपनी कामकाज की शैली से सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से कड़ी आलोचना की शिकार किरण बेदी अपने नियमित दौरे के तहत गांव में स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों से बातचीत कर रही थी, तभी समूह ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस समूह में महिलाएं भी शामिल थी। समूह के सदस्यों ने आरोप लगाया कि किरण बेदी ने मुफ्त चावल वितरण रोक दिया और कई अन्य कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन रोक दिया। राजनिवास के एक व्यक्ति ने कहा कि गांव वालों के एक समूह ने जानबूझकर एकत्र होकर हंगामा किया और वो उप राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाते रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया और किरण बेदी ने अपनी बातचीत जारी रखी और गांव वालों से उनकी चिंताएं पूछी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।